भाजपा से यही उम्मीद कर सकते हैं कि एक मल्लाह के बेटा को वो दिन रात गाली दे। अब मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा कि वो हमारे हमें गाली दे रहा है। ये बिहार के जनता हमारे लोगों को पता है कि कौन हमारे साथ ठगा है, हमारे समाज के साथ ठगा है। कई बार उन्होंने घोषणा किया निषाद आरक्षण देंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन, मैं हूँ आपके साथ नरोत्तम सिंह। राष्ट्रीय जनता दल ने आज अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, इसको लेकर जो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं वो तेजस्वी यादव और आरजेडी पर हमलावर हैं, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के पक्ष में मुकेश सहनी बयान दे रहे हैं। वहीं मुकेश सहनी से जब सवाल किया गया कि भाजपा के लोग आपको ठग और मल्लाह कहते हैं, आपने मल्लाहों को एक भी सीट नहीं दिया है, मल्लाहों की बात तो आप करते हैं लेकिन टिकट बंटवारे में आप मल्लाहों को कोई टिकट नहीं देते हैं, और इस पर मुकेश सहनी भड़क गए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी, सबसे पहले आपको होगा निश्चित तौर पे तेजस्वी प्रसाद यादव जी 2020 में उन्होंने बिहार की जनता से वादा किया कि हम सरकार में आएंगे और हम 10 लाख नौकरी देंगे, और आपने देखा कि जैसे वो सरकार में आए, नीतीश जी के साथ सरकार में आए, भले वो डिप्टी सीएम बने सीएम ना बने, लेकिन उन्होंने बिहार के युवा को बड़े संख्या में कई लाख 5 लाख से अधिक युवा को सरकारी नौकरी दिए हैं। अगर उन्होंने कुछ अगर विजन बनाया, प्लान बनाया है तो निश्चित तौर पर वो पूरा करेंगे, और हमारी पार्टी को भी समर्थन तेजस्वी जी के साथ है कि जो भी घोषणा है उसका निश्चित तौर पर मेरे समर्थन है, क्योंकि हम लोग इंडिया गठबंधन में हैं और निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा, तो जो हमारी जो एजेंडा है उस पर हमारे गठबंधन के साथ ही काम करेंगे। आरजेडी का अगर कोई एजेंडा है तो उस पर हमारे गठबंधन के साथ ही काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी तो नेशनल पार्टी है ही, वो एक बड़े रोड मैप के साथ चल ही रहे, तो निश्चित तौर पर एक दूसरे को सहयोग करेंगे। देश बहुत बड़ा है, देश के लिए इतना नौकरी छोटा है, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि पिछले 10 सालों में 35 लाख से अधिक हमारे जो कर्मचारी थे वो रिटायर हुए, और बड़े संख्या में जगह खाली है, और जब रिटायर हुए तो ऑटोमेटिक उतना उनको नौकरी सरकार को देना चाहिए, लेकिन नहीं दिए। सिर्फ अभी तक जो हमें जानकारी है 9 लाख के अंदर में सरकार ने नौकरी दिया है, तो एक बड़ा वैकेंसी जगह ही खाली है, तो जगह भी खाली किया जाएगा। उसके अलावा जितने भी हमारे जो मोदी जी खास करके प्राइवेट किया गया है, वो प्राइवेट संस्था को सरकारी में कन्वर्ट करना होगा, चाहे एयरपोर्ट हो या रेलवे स्टेशन हो, और जैसे वो करेंगे तो ऐसे उसमें से नौकरी निकलेगा, और तो मुझे लगता है करोड़ नौकरी निश्चित तौर पे दिया जाएगा। अभी विपक्ष में सत्ता पक्ष वो है, हम विपक्ष में है, भाजपा से यही उम्मीद कर सकते हैं कि एक मल्लाह के बेटा को वो दिन रात गाली दे। अब मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा कि वो हमारे हमें गाली दे रहा है। ये बिहार के जनता हमारे लोगों को पता है कि कौन हमारे साथ ठगा है, हमारे समाज के साथ ठगा है। कई बार उन्होंने घोषणा किया निषाद आरक्षण देंगे, लेकिन आरक्षण नहीं दिया। ये बात हमारे समाज को पता है कि कौन किसको ठग रहा है। फिलहाल ये बात नहीं है, लहा कि वो गाली दे, हम लोग एजेंडा लेके चल रहे हैं कि हम बिहार के लोगों के लिए हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे, और सारा चीज़ है। रहा टिकट की बात है, तो टिकट चुनाव जीतने के लिए दिया जाएगा, जो समीकरण बनेगा जहाँ पे बनेगा वहाँ पे जो योग्य होगा उनको चुनाव लड़ाया जाएगा। सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए हम लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हमें हर हाल में हर सीट को चुनाव जीतना है, और जहाँ पे जो सुटेबल कैंडिडेट होगा वो उनको चुनाव लड़ाया जाएगा। विजय चौधरी है सर, वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव 1 करोड़ नौकरी देने की बात कर रहे हैं, 20 करोड़ क्यों नहीं बोले? अभी उनको उनको पता है कि 1 करोड़ ही दे सकते हैं, इसलिए 1 करोड़ बोले हैं। आप में तो वो भी क्षमता नहीं है, आप में वो क्षमता नहीं है, आपका भी लगता है कि देश का, तो अभी आप सत्ता में थे, आप बताइए कि आपने कितना नौकरी दिया राज्य में या केंद्र में। रहा कि अगर हम विजन बना रहे हैं तो हम उसके ऊपर काम करेंगे। आप तो बताइए कि आप तो आपने बोला था 20 करोड़ नौकरी देंगे 10 साल में, आपने नहीं दिया। अभी हम 1 करोड़ दे सकते हैं, हमने इसलिए 1 करोड़ बोल रहे हैं। सम्राट चौधरी कह रहे हैं भ्रष्टाचार का रोड मैप ये तैयार किया गया है। देखिए विपक्ष से यही उम्मीद कर सकते हैं, वो विपक्ष से यही उम्मीद किया जा सकता है, सत्ता पक्ष से वो विपक्ष को साथ दे और आईना के तरह देखे, और जो काम उन्होंने नहीं किया वो काम करे। मुकेश सहनी किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पर भड़क रहे थे, भारतीय जनता पार्टी लगातार मुकेश सहनी पर आरोप लगा रही थी कि मुकेश सहनी अपने आप को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं लेकिन वो ठग ऑफ मल्लाह है, टिकट देने की बारी आती है तो मल्लाहों को टिकट नहीं देते हैं। और भी क्या कुछ कहना था मुकेश सहनी का, अपने इस वीडियो में देखा। बहरहाल इस कॉल में इतना ही, आप बने रहे न्यूज़ फाउंडेशन के साथ।